हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर है इन्फिनिटी यूनिसेक्स सैलून। ये स्टेशन रोड है, ये स्टेशन रोड सीकर। और हमारे साथ में ओनर मोहनीश हैं। ये इस सैलून के, तो ये फ्रेंचाइजी है ये या अपना पर्सनल स्टोर है, क्या है, यूनिक स्टोर है? इन्फिनिटी यूनिसेक्स सैलून है सर ये। इसमें ब्राइड ग्रूम हर तरीके की सर्विसेज हम करते हैं। लाइक यूनिसेक्स सैलून है, यानी कि दूल्हा दुल्हन को सजाने वाला जो काम होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिल्कुल, दूल्हा दुल्हन का हो गया, केमिकल वर्क हो गया, स्पेशलिटी हमारी जो है वो केमिकल वर्क की है। लाइक रिबॉन्डिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, कैरेटिन हो गया, इस तरीके की जो वर्क है उसके अंदर हमारी स्पेशलिटी है। तो आपने भी कोई कुछ कोर्स वगैरह ये सब किया है या आप ये सब सीख वैसे ही सीख गए? नहीं सर, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बट मेरे जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है और ये मेरा काम मैनेजमेंट का है। ये देखिए, सबसे पहले तो हेड मसाज आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या कैसे ऑयल लेना है। अब ये बाउल में ऑयल लिया है, वरना तो वो पाउच भी होते हैं वो छोटे। हाँ, पहले वो पाउच यूज करते थे, लेकिन आपके तो यहाँ बल्क में आता है इसलिए एक साथ ही पूरा बॉटल या जो भी है जी वो ले लिया आपने। ये आपका तो हेड मसाज में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये सब आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले कॉटन लेंगे, थोड़ा फास्ट बोलना होगा आपको। तो ये कॉटन का क्या यूज़ है? कॉटन का इसको कॉटन से जो है स्केल पे लगाएंगे। अच्छा अच्छा, पहले कॉटन से स्केल पर लगाएंगे तो डायरेक्ट भी तो हाथ में लेके लगाते हैं वो कॉटन। अच्छा, कॉटन से ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, तो देखिए कॉटन से ये जो है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। खुर्शीद भाई जो है वो कॉटन से, ये मैंने पहली बार देखा है सर कॉटन से ऑयल लगाते हुए। इससे पहले तो हमने वही देखा है जो, क्योंकि लॉन्ग हेयर होते हैं ना, अभी तो आपके शॉर्ट हैं बट लेकिन लॉन्ग हेयर होते हैं ना, तो जैसे गर्ल्स का हेयर कट वगैरह करते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, हेड मसाज करते हैं, तो स्केल पे इजी लग जाता है ये गर्ल्स के लिए या महिलाओं के। देखिए बड़े बाल होते हैं या किसी के, पुरुषों के भी बड़े बड़े होते हैं जैसे जी, आपके खुद के हैं या पीछे मोहनलाल जी के भी हैं बड़े हैं जी, तो उसमें कॉटन से ये ऑयल लगाना अच्छा रहता है जी। तो ये भी अच्छा, अच्छी बात हमें जानने को मिली है कॉटन से। और उसके बाद में कैसे सर्कुलर मोशन में इसको घुमाना है वो आप देख रहे हैं जी। तो ये पर्टिकुलर आपका तरीका है इसको घुमाने का? हाँ, इसमें तीन चार स्टेप होते हैं। अच्छा अच्छा, तीन चार स्टेप होते हैं ये लगाने के बाद? ये पहला स्टेप है ये, तो एक तो ये हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, और फिर एक इस तरीके से आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, एक तो ये हो जाता है और फिर एक इस तरीके से भी आता है, थोड़ा सा हेड पे प्रेशर डाल के। प्रेशर जी। तो खुर्शीद भाई, आप कितने समय से ये सब काम कर रहे हैं? सर मेरे को लगभग 8 साल हो गया काम करते। पहले कहीं कोर्स वगैरह किए थे आपने? हाँ, मैंने कोर्स किया है। खानदानी बार्बर हैं आप? नहीं नहीं, कोर्स किया है। कोर्स किया है जी। अच्छा, कितने महीने का आपका कोर्स होता है? मेरा 6 महीने का कोर्स किया था। फिर कट करेंगे? हाँ, पहले ऑयल अच्छे से वॉश हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर कट करेंगे। तो कुछ लोग क्या, हमने देखा है कि पहले कट कर देते हैं उसके बाद मसाज करते हैं, वो नहीं नहीं अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि हेयर किस तरीके के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग हेयर तो उसमें पहले ऑयलिंग करेंगे, अच्छे से ऑयल निकालेंगे और फिर हेयर कट करेंगे, फिर ब्लू ड्रायर अच्छे से हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर वो स्टाइलिंग नहीं हो पाता। आपका तो हो सकता है क्योंकि शॉर्ट हेयर है। और मेरा तो जीरो करना है साइड से। हाँ, और पीछे मेरे कट नहीं लगाना है। अब क्या है कि हमें तो थोड़ा आदत भी ऐसा बन गया, क्योंकि गर्ल्स का करते हैं तो रेगुलर ज्यादातर मैं जो है दोनों काम करता हूँ। लॉन्ग में तो खड़े होने का चांस ही नहीं होता हेयर का, लॉन्ग में तो बिल्कुल, तो बस उसमें डिग्री के हिसाब से कट करना होता है, तो उसमें बस ब्लू ड्राई का ही खेल है सारा। अगर अच्छे से ब्लू ड्राई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कलर वगैरह ये सब भी आप करते हैं? हाँ, मैं ये सब करता हूँ, कलर वगैरह। कलर करने से पहले क्या सब ध्यान रखना पड़ता है उसका? स्किन चेक करते हैं पहले? हाँ, स्किन चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि थोड़ा सा लगा के देखते हैं। हम उनसे पहले पूछ लेते हैं कि आप पहले कलर यूज़ कर चुके हैं क्या नहीं। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ मैं पहले से कलर यूज़ करूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और किसी ने अगर कलर यूज़ किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो तब हम उनको चेक करते हैं स्किन को।
यहाँ थोड़ा कान के पीछे लगाते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, और फिर वो देखते हैं उनको एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही, इचिंग वगैरह तो नहीं हो रही, उस हिसाब से अगर वो यस कर देते हैं तब हम कलर अप्लाई कर देते हैं।